शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा क्रांति। बच्चों, आज हम मैथ की क्लास में करेंगे चैप्टर नंबर 3 गिनो 10 में, उसका पेज नंबर 23 और 24। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को शिक्षा क्रांति सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलो शुरू करें आज का चैप्टर नंबर 3। ये देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 23, दुकान में कितनी चीज़ें। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दुकानें दिखा रखी हैं, इसके अंदर ये कुछ चीज़ें लटक रही हैं जिनको आपको गिनना है और पता लगाना है कि ये कितनी चीज़ें हैं। देखिए चलो पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, दुकानों पर कुछ चीज़ें लटकी हैं, ये कितनी कितनी हैं, सही संख्या पर गोला लगाओ। बच्चों यहाँ पर दुकानों पर कुछ चीज़ें लटकी हुई हैं, हमें क्या करना है कि गिनना है इनको, इन दोनों में से सही संख्या कौन सी है, उस पर हमें क्या करना है बच्चों, गोला लगाना है। तो चलो शुरू करें, इनको गिनते हैं। ये देखिए बच्चों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
तो चलो देखते हैं अगली दुकान पर क्या है। अगली दुकान किसकी है बच्चों? परचून की दुकान। किसकी है? परचून की दुकान। अभी जैसे मैंने गिनना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि एक लाइन में 10 चीज़ें हैं, तो बच्चों इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हम सीधा 10-10 को जोड़ेंगे, जैसे 3 लाइन है तो 10 को 3 बार जोड़ेंगे। 10-10-10 कितना हो गया बच्चों? 0 और ये 3, 30, 30 हो गए। और 30 में ये अगली चीज़ें गिनते कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 30 में हम 7 को जोड़ेंगे, कितना हो गया बच्चों? 7 और 3, 37। तो बच्चों इसका सही क्या है? कितनी चीज़ें हैं दुकान पर? 37 चीज़ें। तो हम इस पर गोला लगा देंगे। चलो देखते हैं अगली दुकानें कौन सी हैं। मोती माला की दुकान। मोती माला की दुकान, देखिए बच्चों यहाँ पे कितनी लाइनें पूरी पूरी 10-10 की हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 10 को 5 बार जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। और एक लाइन में कितनी है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ पे 7 को भी लिख देंगे। 0, 0, 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 7। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी मालाएं हैं बच्चों दुकान पर? 57। कितनी? 57। ठीक है, चलो देखते हैं अगली दुकान पर। ये भी किस चीज़ की दुकान है बच्चों? मोती माला की दुकान। यहाँ पे देखिए बच्चों 10-10 की कितनी लाइनें हैं? 4। तो 10 को हम 4 बार जोड़ेंगे। और ये कितने हैं बच्चों? 2। 2, 1, 2, 3, 4। कितनी मालाएं हैं बच्चों यहाँ पे? 42। कितनी है? 42। ठीक है, आगे देखिए आगे किस चीज़ की दुकान है? मोती माला की दुकान। ये भी मोती माला की दुकान है। यहाँ पे देखिए बच्चों कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। 5, 10 को 5 बार जोड़ेंगे। और यहाँ पे कितनी है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है बच्चों? 56। कितनी है बच्चों? 56। आगे देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5। 5 यानी कि 10 को 5 बार जोड़ेंगे। और यहाँ पे 1, 2, 3। 3 और ये कितने थे बच्चों? 5।
कितनी मालाएं हैं बच्चों? 53, 53 मालाएं। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही इनको गिनना है और अपनी बुक में भी इसको अच्छी तरह से करना है। तो चलो देखते हैं अगले पेज पर क्या है। ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 24। यहाँ पे देखिए बच्चों, छुटकी ने सांप पर गिनती लिखी ऐसे, जहाँ गलत लिखा है वहाँ ठीक करो। बच्चों ये है छुटकी, इसने इस सांप के ऊपर देखो गिनती लिखी हुई है। इसने कहीं कहीं पर, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये 15 लिखा है, यहाँ पे क्या आना था 51। ऐसी ऐसी गलतियाँ कर रखी है जिसको हमें कट करके ऐसे ठीक करना है, ठीक करके लिखना है। तो चलो शुरू करें, देखते हैं 48, 49, 50, 51, हिंदी में 48, 49, 50, 51 क्या आना था बच्चों? यहाँ पे 51, इसने क्या लिखा था 15, तो इसको कट करके यहाँ पे इसने क्या लिख दिया 51। 52, 53, 54, 55, 56 यहाँ पे क्या आना था बच्चों? 5, 6, तो ये गलत है। और इसने यहाँ पे क्या लिख रखा है 65, यानी कि 65। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 56। क्या आएगा? 56। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। यहाँ पे देखो बच्चों, इसने 3 और 6 लिखा है जो कि है 36। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 63। 6 और 3। आगे देखिए 64, 65, 66, 67। यहाँ पे इसने देखो बच्चों 76 लिखा है, यानी कि 76। ये गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? 67। 68, 69, 70, 71, 72, 73। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसने 37 यानी कि 37 लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? 73। 73। 74, 75, 76। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ भी इसने गलती की है, यहाँ पे आएगा 76 यानी कि 76। और यहाँ पे इसने क्या लिख दिया था? 67 यानी कि 67। 77, 78, 89, 80। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अपनी बुक में अच्छे से करना है और इसको समझना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।